लावा स्ट्रॉन्ग 5G। आज हम देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले प्राइस की बात करेंगे, ये फोन एक ही वेरिएंट में आएगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ और इसका प्राइस होगा 30,499 यानी कि 13,500 रुपए और कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा करके 11,500 से 12,000 रुपए के आसपास आएगा। तो हम प्राइस के हिसाब से इसको देखेंगे कि इसमें कितनी ताकत है यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले बॉक्स में एक बैक कवर मिल जाता है और फ्री एट होम की इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो इनका बंदा आपके घर पर आकर के उसको सॉल्व कर देगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। और साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जर है और 5000 mAh की बैटरी। फोन का वेट है 250 ग्राम यानी कि 215 ग्राम। सबसे पहले आप बैक में देखेंगे तो यहाँ पर ग्लास बैक मिल जाता है जो इस प्राइस में जल्दी नहीं मिलता और फ्रेम इसके प्लास्टिक के हैं यानी कि पॉलीकार्बोनेट। यहाँ पर 3.5 mm जैक भी मिल जाएगा। ऊपर साइड सेकेंडरी माइक है और ट्रिपल सिम स्लॉट के साथ आता है यानी कि 2 SIM एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं और फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है जिसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। अभी तक ये फोन काफी अच्छा निकल करके आया अंडर 15,000 के हिसाब से, लेकिन आगे हम देखेंगे कि इसमें और क्या कुछ कैसा मिलता है और आगे कैसा होने वाला है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंच की FHD+ IPS डिस्प्ले है जो लाती 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, तो डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ है और यहाँ पर 588 की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी जो प्राइस के हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक है। कलर्स वगैरह काफी अच्छे आ जाते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर लगा हुआ मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6080 वाला प्रोसेसर। मीडियाटेक के ही 81 का ये एक अपग्रेड वर्जन है। 400,000 के आसपास एंट्री स्कोर है, LPDDR4X रैम है, UPS 2.2 की स्टोरेज। अब अगर इसके प्रोसेसर की बात करा जाए तो ये कोई ऐसा हैवी प्रोसेसर नहीं है कि आप सारा दिन गेमिंग कर पाए या 4-5 घंटे गेमिंग, नॉर्मल 1-2 घंटे चल जाएगी, लेकिन डे टू डे लाइफ में आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मिल जाएगा 1 साल का OS अपडेट और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट। और ये 5G फोन है तो यहाँ पर मिलेंगे 8 5G के बैंड। देखो अब ये ठीक बात नहीं है, यहाँ पर 2 साल के तो OS अपडेट होने ही चाहिए थे और 8 5G के बैंड से कोई हम तीर नहीं मार लेंगे, कम से कम 10-11 5G के बैंड भी होने चाहिए थे, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। कैमरा इसमें 50 MP का मेन है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 16 MP की सेल्फी है। कैमरा क्वालिटी इनकी थोड़ी सी नॉर्मल सी है, फोटो में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेड टोन दिखाई देती है आप देख सकते हैं, और फोटो के जो कलर हैं वो काफी ज्यादा बूस्टेड से दिखाई देंगे। फोटो की डायनेमिक रेंज भी काफी ज्यादा अच्छी सी नहीं है। ये कैमरा 9,000 से 10,000 रुपए वाले फोन का लगता है, तो मेरे हिसाब से 13,500 रुपए के हिसाब से ये कैमरा बकवास है। और अगर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करा जाए तो यहाँ पर 2K तक आप बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरे से 1080p 30fps, लेकिन जब फोटो क्वालिटी ही अच्छी नहीं है तो वीडियो कहाँ से ही अच्छी रिकॉर्ड करेगा। देखो अब बात आती है इसको लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ निगेटिव पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये कि इसमें 1 साल का OS अपडेट आता है, इसमें 2 साल का होना चाहिए था तो ये चीज़ सही की जा सकती थी, और 8 5G के बैंड आते तो कम से कम 10 तो होने ही चाहिए थे, और कैमरा भी इनका काफ़ी नॉर्मल है, इसको भी ठीक ठाक किया जा सकता था। अब परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा है, इसको भी ठीक किया जा सकता था, तो 13,500 रुपये में हमें दिया ही क्या जा रहा है। अब ये फोन अगर आपको कार्ड डिस्काउंट के साथ 11,000 से 11,500 रुपए तक मिल जाए तब तो कहीं ना कहीं लिया जा सकता है या आप ले सकते हैं, लेकिन 13,500 रुपए या 12,000 रुपए के हिसाब से ये बकवास है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आई होंगी और मैं समझा पाया हूँगा। तो आज की वीडियो अपनी इतनी थी, अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।